हैप्पी दिवाली सभी को। गाइस हैप्पी दिवाली। इधर देखो बोला, डर रहा है डर रहा है। अभी से ही पटाखों छूटने की आवाज आ रही है शाम से ही, एंड मैं सोया हुआ था तो कुछ व्लॉग नहीं कर पाया। जलाते हुए दियो को जलाते हुए सो गाइस, दियो को जो है वो नीचे हम लोग लगाने जा रहे हैं रूम के बाद। मॉम भी है तो मम्मी जो है वो इधर रही है सब जगह है, तो रूम में रखा है, कभी किचन में रखा चुका है। भैया जो है वो बाहर रख रहे हैं बाहर, एंड सारे रूम के बाहर जो है वो रखेंगे हम लोग। आशा कर रहा हूँ कि आप सभी ने दिवाली को काफी अच्छी तरीके से इंजॉय किया होगा, पटाखे छोड़े होंगे तो सेफली छोड़े होंगे, और दिवाली को अच्छी तरीके से सेलिब्रेट किया होगा अपने दोस्तों के साथ, अपने फैमिली के साथ। और ज्यादा मैंने कुछ ब्लॉग नहीं किया, सुबह से ही मतलब था तो ज्यादा कुछ मौका नहीं मिला, मार्केट भी नहीं जा पाया। भैया चले गए थे तो मैंने बताया था कि पापा साथ रहते, लेकिन भैया के घर पे तो वो चले गए सारा कुछ जो है मार्केट का सामान लाने। तो गाइस इस तरफ का मामला फिट हो चुका है, दिए और मोमबत्तियां लगा दी हमने, ज्यादा कुछ लगाए नहीं। गाइस सबसे ऊपर जो है वो ले जा रहे हैं सबसे ऊपर छत पे, एंड या थर्ड फ्लोर पे भी जो है वो रख दिया गया है। सो गाइस सब कुछ जो है कैंडल वगैरह है और दिया हम उन्हें लगा दिए, भैया जी और लगा रहे हैं, और ऊपर देख लो ऊपर में भी है लग चुका है। देखो सो गाइज यहां से जो है परफेक्ट हमें व्यू दिख रहा है, ऑलमोस्ट फोर्थ फ्लोर के बराबर है ये, और देख लो गाइज काफी बेहतरीन काफी खूबसूरत। ऑलराइट गाइस, तो काफी ऊंचाई पे हैं तो थोड़ा सा डर भी लग रहा है, लेकिन यहाँ से काफी व्यू अच्छा आ रहा है, और वीडियो क्वालिटी आई डोंट नो वीडियो क्वालिटी कैसा आ रहा है, एंड मैं ज्यादा यहाँ मूवमेंट नहीं करूंगा, थोड़ा सा इस तरह से बैठ जाते हैं। और पूजा वगैरह जो है ऑलमोस्ट हो चुका है, समझिए खत्म ही है, तभी तो यहाँ पे आए हम लोग कैंडल और दिए जलाने के लिए। और काफी अच्छा एक माहौल है, काफी अच्छे एक वाइब आ रही है यहाँ पे। चैलेंज है यहाँ से उतरना, ये बांस का जो बना हुआ है सीढ़ी, फिर भी देखते हैं अच्छे से उतरेंगे, कोशिश करेंगे। एलियो ये तो सो गया आयुष्मान, शायद पटाखों के डर से रो रहा है। हम लोग ने थोड़े बहुत वही जो अनार थे और छुरछुरी थी उसे छोड़ा, और काफी एक दिन अभी और जगमगाता हुआ यू नो एरिया लग रहा है, और ऑलमोस्ट अब खत्म ही हो चुकी है। मिठाई वगैरह खाएंगे, देखेंगे कैसा क्या चीजें हैं। पापा मम्मी भी यही, अंधेरा है तो पकौड़ी बन रहा है। क्या क्या बनता है मम्मी बताइए? कड़ी बड़ी है, साथ में चाय भी बन रहा है, लड्डू खा रहा हूँ। पकौड़ी छान जाता है, पकौड़ी छान जा रहा है, ये खाई लाई मिठाई का भी आ गया। ऑलराइट गाइस, तो सब कुछ जो है वो पूजा एंड जो कुछ भी था पटाखे वगैरह छोड़ना के बाद जो है अभी क्या है, क्या है बताओ, ये कौन सा बम है? ये चटाई बम था। तो इसमें क्या है कि अभी आयुष्मान काफी पटाखों की वजह से डर रहा है, और काफी अभी भी आपको आवाज आ रही होगी वो रो रहा है, लगातार रो ही जा रहा है,
और देखते हैं कि आज का दिन वो काफी मतलब अभी सोया हुआ तो ठीक था लेकिन जगने के बाद जो है वो ऑफकोर्स आवाजों से दौड़ रहा है। एंड गाइज एक जमाना हुआ करता था जब हम लोग काफी एक्साइटेड होते थे दिवाली को लेकर पटाखे छोड़ने को लेकर, लेकिन बीते कुछ सालों से एज यू नो कि जैसे जैसे हमारी जो है उम्र बढ़ती है तो इंटरेस्ट ये सब में थोड़ा बहुत कम हो जाता है। तो खैर लेकिन फिर भी परिवार के साथ फैमिली के साथ दोस्तों के साथ जैसे भी मनाने का मौका मिलता है तो हम लोग इंजॉय करने की कोशिश करते हैं। नॉर्मल व्लॉग था, ज्यादा कुछ दिखाने को था नहीं, बातें लेट मैंने शुरू किया और जल्दी एंड कर रहा हूँ। चलिए गाइज मिलते हैं, बाय।